स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल अतुल क्रिकेट एकेडमी में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के तीसरे टेस्ट के डे वन का रिव्यू। तीसरा टेस्ट पिंक बॉल टेस्ट नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम पे जो खेला गया उसका रिव्यू आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। और साथ ही ऑस्ट्रेलिया वर्सेज न्यूजीलैंड के सेकेंड T20 के लिए आपकी माई 11 सर्कल पे टीम क्या होनी चाहिए और इंडिया का T20 स्क्वाड क्या है इंग्लैंड के खिलाफ, ये भी आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले मैं YouTube चैनल अतुल क्रिकेट एकेडमी को सब्सक्राइब करके साथ में दिए गए बेल आइकन को दबा दीजिए लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। मुझे इंस्टाग्राम और MX टकाटक पर भी फॉलो कर दीजिए, आइडिया को आप स्क्रीन पर दिख रही होगी और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। तो दोस्तों बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं दोनों टीम्स ने क्या चेंजेस किए हैं अपने प्लेइंग 11 में। सबसे पहले इंडियन टीम ने दो चेंजेस किए हैं। कुलदीप यादव बाहर गए हैं, वॉशिंगटन सुंदर अंदर आए हैं। वहीं दूसरा चेंज था मोहम्मद सिराज बाहर गए हैं और अंदर आ चुके हैं जसप्रीत बुमराह। इंग्लैंड ने भी चार बदलाव किए हैं। इंग्लैंड ने पहले देख लेते हैं किन प्लेयर्स को बाहर किया है। इंग्लैंड ने मोइन अली, ओली स्टोन, डॉन लॉरेंस के साथ साथ रोरी बर्न्स को बाहर किया है और अंदर आए हैं जैक क्रॉली, जॉनी बेस्टो, जेम्स एंडरसन और जोफ्रा आर्चर। वहीं अब अगर मैच की तरफ चले तो इंग्लैंड ने पहले टॉस जीता और फिर बैटिंग का फैसला किया जो इंग्लैंड के बैट्समैन ने गलत साबित करके दिया। इंग्लैंड के लिए जैक क्रॉली नाम का इकलौता प्लेयर टिक पाया, उन्होंने 54 रन बनाए अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ, कुछ 80-85 बॉल पे 68 के स्ट्राइक रेट के साथ 10 चौके भी लगाए जैक क्रॉली ने। बहुत अच्छी इनिंग्स खेली जैक क्रॉली ने लेकिन उसके अलावा कोई रन बना ही नहीं पाया। डॉम सिबली ने 0 रन बनाए, जॉनी बेस्टो ने भी 0 रन बनाए। उसके बाद कप्तान जो रूट ने 17 थोड़े देर टिके, बेन स्टोक्स ने 6, ओली पोप ने 1, उसके बाद बेन फोक्स भी थोड़े देर टिके, उन्होंने 12 रन बनाए लेकिन एट द एंड तक रहे थे लेकिन वो आउट हो गए। बेन फोक्स ज्यादा रन बना नहीं पाए। जोफ्रा आर्चर ने 11 रन बनाए, स्टुअर्ट ब्रॉड ने 3-3 रन बनाए और जेम्स एंडरसन 0 रन बना के आउट है और जैक लीच ने भी 3 रन बनाए। इन सब प्रदर्शन के मतलब क्या प्रदर्शन, कोई टिक ही नहीं पाया ज्यादा देर। तो इन सब प्रदर्शनों के चलते इंग्लिश टीम 112 रन पे सिमट गई। विकेट्स की बात की जाए तो अपना 100वां टेस्ट मैच खेल रहे ईशांत शर्मा ने एक ही विकेट मिला ईशांत शर्मा को इकलौता विकेट मिला, पहला विकेट डॉम सिबली का। और अक्षर पटेल ने 5 विकेट लिए। अक्षर पटेल को जैक क्रॉली, जॉनी बेस्टो, बेन स्टोक्स के साथ साथ अक्षर पटेल को बेन फोक्स, जोफ्रा आर्चर, स्टुअर्ट ब्रॉड का भी विकेट मिला। 6 विकेट मिले टोटल अक्षर पटेल को और 3 विकेट मिले रविचंद्रन अश्विन को। रविचंद्रन अश्विन को किन 3 विकेट मिले उसकी बात की जाए तो जो रूट, ओली पोप और जैक लीच का विकेट मिला। इस तरह से इंग्लिश टीम 112 पर सिमट गई पूरी तरह से। और अगर इंडियन टीम की बात की जाए तो इंडियन टीम बैटिंग करने आई तो इंडियन टीम के लिए रोहित शर्मा 51 रन बना के नॉट आउट है। दूसरे ओपनर शुभमन गिल 11 रन बना के आउट हुए। शुभमन गिल बहुत देर तक अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे। फिर नंबर 3 पे चेतेश्वर पुजारा 0 रन बना के आउट हो गए थे। नंबर 4 पे कप्तान विराट कोहली एक और इनिंग में सेंचुरी नहीं बना पाए। ये उनकी 35वीं इनिंग हो गई है 2019 अगस्त जब उन्होंने सेंचुरी नहीं बनाया इंटरनेशनल क्रिकेट में, 27 रन बना के आउट हुए। और वहीं बात की जाए अजिंक्य रहाणे की तो उन्होंने भी 1 रन बना के वो अभी नॉट आउट है। और अगर इंग्लैंड की टीम के लिए विकेट्स की बात की जाए तो 1 विकेट मिला है जोफ्रा आर्चर को शुभमन गिल का। वहीं 2 विकेट मिले हैं स्पिनर जैक लीच को। जैक लीच को किनके विकेट्स मिले हैं तो 2 बड़े विकेट्स मिले हैं चेतेश्वर पुजारा और विराट कोहली के। तो दोस्तों इंडियन टीम दिन के खेल के अंत पे 99/3 है और इंडियन टीम सिर्फ 13 रन पीछे है इंग्लैंड के स्कोर से। वहीं अब अगर बात की जाए इंडिया के इंग्लैंड के खिलाफ T20 स्क्वाड की तो कुछ नए नाम उसमें शामिल किए गए हैं। उसमें से सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन और राहुल तेवाटिया, इन 3 नामों को पहले बार कॉल दिया गया है इंडिया के लिए। और साथ ही वरुण चक्रवर्ती, इन्हें ऑस्ट्रेलिया के T20 स्क्वाड के लिए भी कॉल दिया गया था लेकिन ये इंजर्ड हो गए थे।
और थंगरासु नटराजन को उसके जगह कॉल दिया गया था और टी नटराजन ने बहुत अच्छा भी किया था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। और कुछ नाम अभी भी मिसिंग है, जैसे रविंद्र जडेजा और मोहम्मद शमी अभी भी चोटिल है और जसप्रीत बुमराह को आराम दिया गया है। और अगर बात की जाए ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड सेकेंड T20 के लिए आपकी माई 11 सर्कल पे टीम क्या हो सकती है, तो विकेट कीपिंग में आप टिम साइफर्ट को रख सकते हो। तीन बैट्समैन की बात की जाए तो तीन बैट्समैन आप एरन फिंच, जॉश फिलिपी और केन विलियमसन को रख सकते हो। वहीं ऑलराउंडर्स की बात की जाए तो आप एज मेनी एज 5 ऑलराउंडर्स को टीम में जगह दे सकते हो। 5 ऑलराउंडर्स में ग्लेन मैक्सवेल, मार्कस टॉयनेस, मिचेल मास, जेम्स नीशम के साथ साथ आप मिचेल सैंटना को भी डाल सकते हो। और बोलर्स में आप दो अच्छे बोलर्स को डाल सकते हो। जायर रिचर्डसन के साथ आप ट्रेंट बोल्ट को डाल दो। आप कैप्टन बना सकते हो ग्लेन मैक्सवेल को, क्योंकि ग्लेन मैक्सवेल बैटिंग भी करेंगे बॉलिंग भी, और ट्रेंट बोल्ट भी ऑस्ट्रेलिया की अभी क्वालिटी बैटिंग लाइनअप नहीं है तो उनकी ज्यादा पिटाई भी नहीं होगी और वो अच्छे खासे 2-3 विकेट्स भी ले लेंगे, तो उन्हें आप वाइस कैप्टन बना के रख सकते हो। और सब्स्टिट्यूट्स आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। स्टे ऑन स्टे सेफ। थैंक यू।